आज के वक्त में YouTube पर जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं ना, उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि यार पूरे इंडिया में से ही रोजाना हजारों नहीं लाखों वीडियो अपलोड होते हैं और उन लाखों वीडियो को लोग देखते भी हैं। बट जिस ऐप के अंदर हम वीडियोस देखते हैं, यानी कि YouTube ऐप के अंदर हम वीडियो देखते हैं, उस YouTube ऐप के कुछ ऐसे सीक्रेट हाइडन बोले तो छुपे हुए सेटिंग है जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता, हो सकता है कि आपको भी ना पता हो। तो इस वीडियो में आप YouTube ऐप के कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग के बारे में जानने वाले हैं जो आपके हो सकता है कि डेली बेस पर काम आए, और हो सकता है कि इन सेटिंग की बदौलत अब आप YouTube और भी बेहतर तरीके से चला पाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेटिंग ऐसे हैं जो आपके पैसे भी बचा सकते हैं और कुछ सेटिंग ऐसे हैं जो आपका टाइम भी बचा सकते हैं, बुरी आदतों से भी बचा सकते हैं। तो सारे सेटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूँ और बड़ी आसानी से आपको उन सभी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा अरफान और आप देख रहे हैं आईटेक। तो सबसे पहला जो सेटिंग है ना, ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब किसी दूसरे के मोबाइल में चलाते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड के मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हो, अपने पापा के मोबाइल में, अपने मम्मी के मोबाइल में, भाई के मोबाइल में, सिस्टर के मोबाइल में, यानी कि दूसरों के मोबाइल में यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए भाई, अगर आप किसी और के मोबाइल में YouTube पर वीडियो देखेंगे तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसकी वीडियो हिस्ट्री बनती है। मेरे आंख में कुछ गिर गया, सॉरी, मेरी आंख में कुछ गिर गया था। हाँ, तो मैं कहां था, हाँ, तो जो भी आप वीडियो YouTube पर देखते हैं ना, उसकी वीडियो हिस्ट्री बनती है, और साथ साथ में जो भी कुछ सर्च करते हैं ना, तो उसकी सर्च हिस्ट्री भी बनती है। तो अगर सोचिए कि आपने अपने भाई के मोबाइल में YouTube पर कोई वीडियो देख लिया, कोई इंसेंट वीडियो देख लिया, कोई थोड़ा सा यार सेक्सी वीडियो देख लिया, तो जो भी वीडियो होगा ना, उसकी हिस्ट्री भी रहेगी, और जो भी कुछ आपने सर्च किया होगा ना, उसकी सर्च हिस्ट्री भी रहेगी। तो यार ये यहाँ पर दिक्कत कर देता है, मतलब अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, जो भी वीडियो देखेंगे तो वो लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक फीचर्स का यूज कर सकते हैं जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने YouTube पर क्या सर्च किया, कौन सा वीडियो देखा, कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सिंपल आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड। तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपको बिल्कुल फ्रेश और एकदम नया YouTube देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई ऐसा वीडियो सजेस्ट नहीं किया जाएगा जो वीडियो आपने पहले देखा होगा, मतलब बिल्कुल फ्रेश YouTube आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर लो, जो भी सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लो, वीडियो देख लो, आपकी वीडियो की कोई भी सर्च हिस्ट्री यहाँ पर नहीं रहेगी, किसी भी तरह का प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने YouTube पर क्या सर्च किया, क्या देखा, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आप इस मोड को ऑफ करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑफ कर दें, तो जैसा YouTube पहले था वैसा हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ID लॉगिन था वो ID वापस आ जाएगा और सारी चीजें अब यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अब जो ट्रिक है ना, इसका नाम है, मैंने रखा है फैंसी कमेंट। देखिए, आपने देखा होगा कई सारे से लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, तो उनके फॉन्ट बिल्कुल यूनिक होते हैं, और खास तौर पर जब लाइव स्ट्रीम किसी का चल रहा होता है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं ना, तो उनके फॉन्ट कलरफुल भी दिखाई देते हैं, खास तौर पर ब्लू कलर, और कुछ कमेंट तो इतने यूनिक होते हैं, इतने अलग ही तरह के फॉन्ट होते हैं ना कि यूट्यूबर की नजर सीधी उस कमेंट पर चली जाती है। तो आप भी सोचते होंगे कि यार ये अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में लोग कैसे कमेंट करते हैं, क्या इसके लिए कोई कीबोर्ड ऐप इंस्टॉल करनी है? नहीं नहीं यार, कोई कीबोर्ड ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, बस एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको YouTube ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप Google Chrome को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको कई सारी वेबसाइट जो है देखने को मिल जाएगी, बट जो सबसे आसान वेबसाइट है ना, वो ये दूसरे नंबर वाली वेबसाइट है, coolsymbol.com। सिंपल आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फॉन्ट्स जो है वो आ चुके हैं। अब कैसे टाइप करना है, आप कैसे मतलब मैसेज करेंगे किसी को अलग अलग फॉन्ट में, तो सिंपल है, जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका कमेंट है, वो आप यहाँ पर टाइप कर लें और मुझे भी एक कमेंट करके देना यार अच्छे अच्छे फॉन्ट के अंदर, तो मुझे भी पता चले कि हाँ आपने ये वेबसाइट ट्राई की है। हालांकि इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक मैसेज जो है वो टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया आई लाइक योर वॉइस, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे फॉन्ट जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सारे के सारे फॉन्ट जो है वो मेरे कमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो भी फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। जैसे कि मुझे ये उल्टा फुल्टा वाला फॉन्ट काफ़ी मस्त लगा, मतलब बंदा बिल्कुल स्मार्टफोन को उल्टा करके देखेगा, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल है, जहाँ पर भी मैं इसे कमेंट करना चाहूँगा, जहाँ पर भी मैं मैसेज करना चाहूँगा, वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और बड़ी आसानी से मैं मेरा कमेंट कर दूंगा, जो कि काफ़ी यूनिक लगेगा, मतलब कोई भी बंदा पढ़ेगा तो बोलेगा यार काफ़ी यूनिक कमेंट है और काफ़ी यूनिक फॉन्ट है। तो आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करना, और खास तौर पर मुझे एक कमेंट जरूर से करना।
अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना, ये पहले वाली ट्रिक से बिल्कुल कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप बिना किसी सर्च हिस्ट्री और बिना किसी सर्च वीडियो हिस्ट्री के कैसे किसी वीडियो को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो कि पहले वाली ट्रिक में था। बट जो अभी तक आपने वीडियो देख लिए हैं, जो अभी तक आपने वीडियो सर्च कर लिए हैं, उन सर्च हिस्ट्री को, उन सर्च वीडियो हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हैं, जो कुछ हमने अभी तक कर लिया है भाई उसे भी तो मिटाना होगा, उसे भी साफ तो करना होगा जो हमने भसड़ मचाई है। एक तरह से कहें तो आपका YouTube बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वाले सेटिंग को यूज करने के लिए सिंपल है, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के नाम से। सिंपल आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लियर वॉच हिस्ट्री और क्लियर सर्च हिस्ट्री। यानी कि जो भी आपने वीडियो देखे हैं उन्हें अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, सिंपल आप यहां पर क्लिक करके क्लियर वॉच हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर सर्च हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपने सर्च किया होगा वो सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं, जो भी मेरा यहाँ पर सर्च मैंने किया था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरी हिस्ट्री के बारे में, मतलब मैंने कौन से वीडियो देखे थे, तो हम जाते हैं लाइब्रेरी में। अब आप देख सकते हैं हिस्ट्री पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सारे वीडियो क्लियर हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसका यूज करके अगर यूट्यूब पर आपने कोई अनसर्न वीडियो देखे या फिर कुछ भी देखा है, अगर उन सभी को आप क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो सर्च में हो चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, सारी चीजें यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने YouTube को बिल्कुल साफ सुथरा बना सकते हैं। अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, ये काफी यूनिक है, बिल्कुल अलग ही तरह की है। आपने शायद ही कभी ऐसी ट्रिक देखी होगी और आप भी कहेंगे भाई कुछ नया लेकर आया तू, और सही में ये नया ही है। अब आप चाहो तो YouTube के किसी भी वीडियो में से किसी भी पार्ट का गिफ्स बना सकते हैं। देखिए आजकल काफी सारे लोग कॉमेडी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और कई सारे से यूट्यूबर हैं, उन कॉमेडी वीडियो में से किसी पार्ट का गिफ्स चाहते हैं। बट यार उनको क्या करना पड़ता है, पूरा वीडियो डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो हिस्से को काटना पड़ता है, उसके बाद उसमें से गिफ्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब भाई बहुत ज्यादा झोल झाल है। बट यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसका यूज कर आप अभी मेरे वीडियो का कोई भी एक पार्ट का गिफ्ट बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। तो सोचिए कि कैरी मिनाती का कोई नया वीडियो आया और उसका कोई पार्ट आपको अच्छा लगा और उसका आप गिफ्ट बनाना चाहते हैं विथ साउंड, साउंड भी आएगा यहां पर भाई, तो विथ साउंड के साथ आप उसका गिफ्ट बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब बहुत ज्यादा बकबक नहीं करता, आप समझ गए होंगे, बताता हूं कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले आप किसी भी एक वीडियो को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपको इस वीडियो के URL को कॉपी करना होगा। तो इसके लिए सिंपल आप शेयर वाले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कॉपी लिंक पर क्लिक करना है, यानी कि हमने इस वीडियो के URL को कॉपी कर लिया है। अब आपको यहां पर गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सिंपल है आपको सर्च बार में जो भी आपने URL कॉपी किया है उसे सिंपल है यहां पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद YouTube के आगे जितना भी लिखा हुआ ना वो सारी चीजें आपको मिटानी होगी। तो सिंपल हम YouTube के पास यहां पर कुछ इस तरह से क्लिक करते हैं और ये सारी चीजें जो है डिलीट करते हैं और यहां पर हम लिखेंगे GIF और सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो हालांकि यहां पर वीडियो ओपन हो जाना चाहिए, बट किसी वजह से वीडियो ओपन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम गो टू होम पेज पर जाएंगे और होम पेज पर जाने के बाद यहां पर जो भी हमने वीडियो का URL कॉपी किया है वो हम यहां पर दोबारा से पेस्ट कर देंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो भी वीडियो आपने सिलेक्ट किया होगा, मतलब जिस वीडियो का ये URL है, वो पूरा का पूरा वीडियो यहां पर आ जाएगा। अब किसी भी वीडियो के पार्ट को आप यहां पर कट कर सकते हैं, उसका GIF GIF यानी कि बना सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी आसान है। तो लोड लेने में यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब इतना हिस्सा अगर मुझे कट करना है या फिर इतना हिस्सा जो भी मुझे यहाँ पर करना है वो मैं कुछ इस तरह से सेट कर लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इतने हिस्से का ये गिफ्ट रेडी हो जाएगा। तो सिंपल है, गिफ्ट रेडी करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिक करना है और यहाँ पर आपका गिफ्ट जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टैग वगैरह भी डाल सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर इसके साउंड को भी आप ऑन रख सकते हैं और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गिफ्ट रेडी हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम ले लेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपका गिफ्ट रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गिफ्ट रेडी हो चुका है और यहाँ से अब मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और शेयर भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप वीडियो, मतलब यूट्यूब के किसी भी वीडियो को गिफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोरिंग लगा ना, ऐसा कई बार हो जाता है भाई। अगर हम कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और कोई पार्ट ऐसा आ गया जो कि हमें बोर कर रहा है तो हम क्या करते हैं,
हम उस वीडियो को स्किप करते हैं कितने सेकंड, 10 सेकंड के लिए। जैसे आप स्क्रीन के राइट साइड पर टैप करेंगे तो 10 सेकंड वीडियो आगे चला जाएगा। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जो बोरिंग पार्ट है ना वो 2-3 मिनट का हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप टैप 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 करते रहते हैं, 10-10 सेकंड बढ़ाते रहते हैं और वो वीडियो स्किप होता रहता है। भाई कितनी बार टैप करोगे, एक बार टैप करने पर 1 मिनट का वीडियो स्किप हो जाए तो कैसी मजा आ जाए। तो आपको उसे स्किप करना है तो आप यहाँ पर उसका स्किप टाइम जो है वो डबल कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें आप एक क्लिक करते ही 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड तक आप किसी भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम भी बचा लेगा और स्क्रीन पर ज्यादा टैप भी नहीं करना पड़ेगा। मस्त, ठीक है, एक बार देख लो। तो इस वाले सेटिंग को भी ऑन करने के लिए सिंपल है, आपको जाना होगा अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डबल टैप टू सिंक। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करें। अब यहां पर आप 15 सेकंड रख सकते हैं, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड। तो सिंपल है, मैं 20 सेकंड पर रख देता हूं। अब होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो देखूंगा और डबल टैप करूंगा तो 20 सेकंड का जो है वो वीडियो स्किप हो जाएगा। अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ना, इसकी मदद से आप खुद पता लगा सकते हैं कि आप YouTube पर पूरे दिन भर में कितने मिनट, कितने घंटे बिताते हैं, 7 दिन में कितने घंटे बिता दिए। यानी कि अगर आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही YouTube पर वीडियो देख रहा हूं, पर कितने घंटे देख रहा हूं, कितने मिनट तक देख रहा हूं, ये मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप इस सेटिंग का यूज करके एक्यूरेट पता लगा सकते हैं कि भाई आपने कितने घंटे, कितने मिनट YouTube पर बिता दिए। तो इस वाले फीचर्स को भी देखने के लिए सिंपल है, आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तीसरे नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टाइम वॉचर के नाम से। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करते हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरे दिन में आप कितने घंटे, कितने मिनट जो है YouTube पर बिता रहे हैं, 7 दिन में कितने घंटे, कितने मिनट YouTube पर बिता रहे हैं, सारी चीजें यहां पर आपको पता चल जाएगी, जिससे आप अपने आप को मॉनिटर कर पाएंगे कि भाई YouTube पर आप कितना टाइम बिता रहे हैं। साथ साथ में यहां पर आप रिमाइंडर ब्रेक लगा सकते हैं, यानी कि ब्रेक ले सकते हैं। यहां पर आप अपने सोने का टाइम का भी एक रिमाइंडर जो है लगा सकते हैं, और जो ऑटो प्ले हो रहा है ना वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपने आप ही प्ले हो जाता है, तो उसे भी आप यहां पर चाहे तो ऑफ कर सकते हैं और अपने डेटा को बचा सकते हैं। तो काफी कमाल का फीचर है, ट्राई जरूर से कीजिएगा। अब मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूं ना, ये आपके पैसे बचा सकता है। लगभग सभी लोग मोबाइल डेटा से YouTube पर वीडियो देखते हैं, और मोबाइल डेटा भाई फ्री में नहीं मिलता है, रिचार्ज करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब जिन लोगों के घर में वाईफाई लगा है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, बट जिन लोगों के घर में वाईफाई नहीं है वो तो मोबाइल डेटा से ही यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं। और जितनी तेजी से हमारी वाइफ या फिर हमारी गर्लफ्रेंड हमारा खून चूसती है ना, उससे 2 गुना तेजी से तो भाई यूट्यूब इंटरनेट का डेटा चूस लेता है। भाई कुछ देर में तो मैसेज आ जाता है, कोई छोटा सा वीडियो देख लिया, गाना देख लिया, तो मैसेज आ जाता है कि भाई 250 MB खर्च हो गया, 500 MB खर्च हो गया, 1 GB खर्च हो गया। भाई क्या हो रहा है भाई, भाई कोई ऐसी ट्रिक बताओ यार कि ये डेटा कम खर्च हो। आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो हाँ भाई है ऐसी ट्रिक जिसका यूज करके आप जब भी YouTube पर वीडियो देखेंगे अपने मोबाइल डेटा से, तो आपका कम इंटरनेट खर्च होगा। और जिन लोगों के घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो यहां पर वाईफाई का भी सेटिंग है, यानी कि वाईफाई से अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो सारे वीडियो हाई क्वालिटी में प्ले होंगे, मतलब पूरा इंटरनेट चूसेगा YouTube, बट उनको तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि उनके घर तो वाईफाई लगा हुआ है। बट डेटा जो लोग यूज कर रहे हैं, जिनके मोबाइल डेटा से यूट्यूब यूज कर रहे हैं जितने लोग, उन लोगों के लिए ये सेटिंग काफी ज्यादा यूजफुल है। तो भाई अगर आप मोबाइल डेटा से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो ये सेटिंग देख लो, काम में आएगा और बड़ा ही काम में आएगा। तो इस वाले सेटिंग को भी ऑन करने के लिए सिंपल है, आपको जाना होगा अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वीडियो क्वालिटी के नाम से। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी है और वाईफाई भी है। तो अगर आप अपने मोबाइल डेटा से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपना डेटा बचाना चाहते हैं, तो डेटा सेवर जो है, मतलब लो पिक्चर क्वालिटी, इसे आप सिलेक्ट करके रखें। इसमें ये होगा कि लो क्वालिटी में यूट्यूब का वीडियो प्ले होगा, तो यहाँ पर आपका डेटा भी जो है वो बचने वाला है। बट अगर आपके घर वाईफाई लगा हुआ है तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर हाई पिक्चर क्वालिटी आप सेट करके रखें। तो होगा ये कि जब भी आप वाईफाई से यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो जो भी वीडियो आप प्ले कर रहे हैं वो सारे वीडियो हाई क्वालिटी में प्ले होंगे, यानी कि HD या फिर 4K में प्ले हो जाएंगे। और अगर आप मोबाइल डेटा से वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियो जो है ना, मतलब YouTube की बात कर रहा हूँ, YouTube पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे लो क्वालिटी में प्ले होंगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा डेटा तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मैं डेली 2-3 GB मुझे मोबाइल डेटा मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ऑटो भी से रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आपको मोबाइल डेटा पे कितनी क्वालिटी चाहिए और वाईफाई पे कितनी क्वालिटी
चाहिए। तो काफी कमाल का फीचर है, तो आप इसे भी एक बार जरूर से ट्राई करना। तो भाई ये थे हमारे यूट्यूब के कुछ सीक्रेट 7 सेटिंग जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों को इनमें से कुछ सेटिंग के बारे में पता होगा। बट अगर कोई एक ऐसा सेटिंग है जिसके बारे में आपको पता नहीं था, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो हर बार मैसेज करके बोलते रहते, देख यार उसका वीडियो आ गया, तेरे को पता चला इसका वीडियो आ गया। मतलब यूट्यूब पर जो अपडेट रहते रहते ना, उन सभी को वीडियो चेप दो जो भी समझो भाई, चाप दो वीडियो में। तो कहूंगा सभी को वीडियो शेयर कर दो, और जो भी मेरे करीबी फ्रेंड है उन्हें कहना चाहूंगा फेसबुक पर भी शेयर कर दो शेयर। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय। ड्रम बजाना सीखना है।